तो हेलो गेमर्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका और एक गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम खेलने जा रहे हैं स्कूबा डाइवर। तो बात करें इस गेम में, तो इस गेम में हमें एक शिप दिया जाता है, वो भी बहुत ही छोटा सा, और उसी शिप में हमारा बहुत सारा सामान होता है जो कि स्कूबा डाइविंग का होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस गेम में अलग अलग मिशन मिलने वाले और हमें अलग अलग मिशन को पार करना है। और इस गेम की स्टोरी जो है ना, वो एक खजाने के आधार पर है। ठीक है, यानी कि एक जहाज़ पानी में डूब गया था और उसको हमें ढूंढना है, और बाकी खजानों को भी हमें ढूंढना है। तो देखते हैं कैसे होने वाला है गेम। तो बिना देरी के हम गेम को करते हैं स्टार्ट। तो ठीक है, इधर हमारा फर्स्ट लेवल शुरू हो चुका है, लेट स्टार्ट टू एक्सप्लोर। ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला है। ओ भाई, ये प्यारा सा ग्राफिक देखो, और ऊपर देखो भाई कैसे स्काई। और ये रहे हम, शायद से यही हम हैं। ओ भाई, अपना तो बहुत ही हुलिया तो बहुत ही अच्छा है। और ये हमारा लैपटॉप है। ओ हाय डेविड, तो हमारा नाम शायद से डेविड है, या फिर हाउ आर यू माई फ्रेंड, तो ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो आई एम फाइन, हम ठीक है। हम कह रहे हैं आई हैव फाउंड दिस प्लेस, मैंने वो जगह ढूंढ ली, ऐसा मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त के लिए। वो बोल रहा है ग्रेट, योर जॉब इज स्टार्ट, आई एम गोइंग डाउन नाउ, आई विल कॉल आफ्टर आई शू यस यूर बट। ठीक है, तो मैं उसको बता रहा था कि मुझे यह जगह मिल गई है और अब मैं नीचे जाने वाला हूँ। और मैंने फाइनली अपना जो क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग का जो है ना, वो पहन लिया है सूट, और पानी जो है ना बहुत ही ठंडा है। और फाइनली हमारे गेम शुरू हो चुके हैं इधर। अब देखते हैं क्या होने वाला है आगे। स्वीप हर टू, तो इधर से हम कैमरे को इधर लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। यूज़ दिस बटन टू शूट, ओ इसमें शूट भी है क्या भाई यार, वो भाई बहुत ही अच्छा। तो यूज़ दिस बटन टू मूव, तो इधर से हम मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गॉट इट करते हैं इसको। आप देखते क्या, ओ तो ये रहा। तो इधर से मुझे सबसे पहले जो आप रेड कलर का जो लोकेशन दिखाई दे रहा है ना आपको, हमें उधर ही चलना है, उधर से हमारा मिशन शुरू होगा। और एक सेकेंड, ये कुछ, ओ भाई कितनी बड़ी वेल है यार ये तो। ओ भाई साहब, क्या कितनी बड़ी वेल है भाई, बहुत ही खतरनाक। अरे इधर देखो भाई, एक सेकेंड, इधर बहुत सारी मछलियाँ भी है। और ये कौन सा सबमरीन, सबमरीन तो नहीं है यार, वेल को देखो भाई कितनी बड़ी वेल है ये तो। ये कुछ तो शिप टाइप कुछ तो गिरा हुआ है, शायद से पुराने ज़माने का शिप हो सकता है। और इधर से इसका ही शायद से डेजर्ट इधर किधर तो मिस हो चुका है। दैट्स ए डेंजरस, वाओ वेरी डेंजरस, तो इल आई आई हैव गॉट। ओ तो इसको हमें, ओ भाई शूट भी करना है इसमें, खलास। ओ भाई मगर क्यों मर गया। तो ठीक है, तो मेरी बेसिक ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है इधर, और मुझे इस रेड लोकेशन का फॉलो करना है। तो ठीक है, रेड लोकेशन को मैं फॉलो करते करते इधर किधर तो गुहे में आ चुका हूँ, गुहे टाइप में कुछ तो है इसमें आ चुका हूँ। और अभी भी लोकेशन जो है वो आगे की तरफ दिखा रहा है, तो चलते आगे देखते क्या होने वाला है। इस गेम की ग्राफिक्स और भाई इसके साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और एक सेकंड, शायद से गुहा ख़त्म हो चुके, इधर से एंटर, इधर एग्जिट कम्प्लीट हो चुका है, इधर से इसको नेक्स्ट लेवल टू फाइंड डेजर्ट इन केव। ओ ठीक है, तो हमें खजीने को ढूंढना है, वो भी एक गुहे में शायद से वही है। अरे इसलिए कुछ तो इधर चमक रहा है, फर्स्ट लोकेशन तो शायद से यही हो सकती है। ओ तो हमें ये दिखा रहा है कि किधर किधर क्या क्या छुपा हुआ हो सकता है। तो इधर से सेकंड जो है, इधर बहुत ही अच्छी अच्छी मछलियाँ है भाई इसमें तो। तो सेकंड जो है, इधर भी एक छुपा हुआ है कुछ तो है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम उधर जाकर छानबीन कर उसको पता लगा सकते हैं। और ये क्या है भाई, ओ भाई शायद से इसी के अंदर हमारा जो खजीना है ना वो छुपा हुआ हो सकता है शायद से। तो सबसे पहले इधर, ये नज़दीक लोकेशन, इसलिए मैं इधर जाकर कुछ तो है क्या, ये कुछ तो डिस्क जैसा है जो कि गोल्डन कलर का है, देखते इससे क्या होने वाला है। शायद से इसका भी यूज़ हमें आगे चलकर होने वाला है, पता नहीं क्या सीन है भाई। फाइनली मैं आ चुका हूँ, और इधर मुझको इसको शायद से प्लेस करना है या फिर, ओ ठीक है तो इधर लग चुका है ये। ओ बहुत ही बढ़िया, अब मुझे इधर जाकर वो दूसरा वाला भी लोकेशन से इधर लाना है। शायद से ये डोर ओपन हो जाएगा क्या, ऐसे तो ऐसा ही होना चाहिए। और देखते क्या होने वाला है, अब मैंने दोनों प्रेस कर दिया और ये घूम रहा है क्या, दोनों भी घूम रहे हैं। और शायद से अब, ओ भाई ये देखो भाई डोर ओपन हो चुका है, और अंदर एक बक्सा है जो कि इसमें खजाना हो सकता है, शायद से डेजर्ट हो सकता है शायद से, देखते। ओ इसमें है भाई, है रिच।
तो ठीक है, इधर हमारा लेवल 3 शुरू हो चुका है, एक्सप्लोर द सी। तो हमें एक्सप्लोर करना है, यानी कि सी की जो हमारा समुद्र है ना, उसकी जानकारी हमें इकट्ठा करनी है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। और ये हमारी जो प्यारी सी शिप है ना, छोटी सी, बहुत ही अच्छी है। और मैं इधर अंदर आ चुका हूँ अंडर वाटर, अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो ठीक है, शायद हमें 2 लोकेशन दिए गए हैं, देखते हैं उधर जाकर हमें क्या मिलने वाला है। तो चलते हैं उसी तरफ। ओ भाई, इधर एक कुछ तो कटी हुई है, शायद से शिप है। और ओ भाई, ईल आ गई यार। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। यार मुझे मार दी गई यार ये, तो इसको भी मारते हैं। ओ भाई बहुत ही अच्छे। और भी कोई है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है। तो मैंने ईल को मार दिया इधर से। और एक सेकेंड, लोकेशन तो इधर ही दिखाई दे रहा है, और शायद से नीचे हो सकता है। एक सेकेंड, इधर नीचे। और ये पत्थर है क्या? कुछ तो गोल्ड टाइप पत्थर मुझे दिखाई दे रहा है। इधर से मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, इसका नाम नहीं आया, लेकिन इसको गॉट इट कर लेते हैं। देखते हैं क्या, पता नहीं क्या होने वाला है। अब चलते हैं दूसरे लोकेशन की तरफ, देखते हैं उस उधर क्या होने वाला है। और ये भाई, इसकी ग्राफिक्स, इसकी सेंसिविटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी ग्राफिक्स और साउंड क्वालिटी जो है ना, बहुत ही अच्छी है भाई, बहुत ही अच्छी है। तो हम चल अब जाने। ओ भैया, इधर भी एक सील है भाई, इसको भी मारते ख़त्म। तो अब हम जाने वाले हैं सेकंड लोकेशन में, और चलते हैं। तो फाइनली मैं सेकंड लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ इधर। और इधर एक सेकंड यार, ये क्या है भाई? किसी का हेलमेट है, पता नहीं किस राक्षस का हेलमेट हो सकता है। और इधर से लेवल भी कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, इधर हमारा लेवल 4 शुरू हो चुका है। देयर इज स्टील मेड। ओ भाई, अबे वेरी डेंजरस। लेवल शुरू होने से पहले ही ये आ रही है, मगर क्यों मुझको मारने के लिए? इसको खत्म कर दिया है मैंने। और इधर अब तो 3 लोकेशंस रेड मार्क्स आ चुके हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले नजदीक वाला यही है, तो इधर चलते देखते क्या होने वाला है। ओ भाई, ये कुछ तो अलग ही एक पॉट है शायद से, खाना बनाने के जो यूज आता है ना, मतलब अभी नहीं, लेकिन पहले ज़माने में जो यूज़ होता था ना, तो वही है। अब सेकंड लोकेशन इधर से 200 मीटर दूर है, और इधर भी 250 है। तो इधर हम 200 मीटर की दूरी पर चलते हैं, देखते क्या होने वाला है। ये नज़दीक है, ठीक है। तो ठीक है, मैं तैर के इधर तक पहुँच चुका हूँ। और मैं इधर पहुँचने के बाद मुझे भाई सच्ची में बहुत ही डर लग रहा है। अरे ईल को देखो भाई, इसके तो अलग ही नशे हो रहे हैं, बार बार मुझे आकर, अबे अटक गई क्या? बार बार मुझे आकर परेशान कर रही है भाई ये तो ईल। कोई बात नहीं, इधर से मैं पहुंच चुका हूँ। और अबे मैं अटक चुका हूँ यार इधर। कोई बात नहीं, इधर अंदर तो मैं आ चुका हूँ। और एक सेकेंड, ये भी कुछ पॉट टाइप है जिस पर हम बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं, शायद से वही है। अबे यार, मैं गलत जगह से आ गया था, इसलिए मैं फंस गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब थर्ड लोकेशन पर मुझे चलना है, जो कि आप आगे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ठीक है, फाइनल में तैर कर इधर तरफ पहुँच चुका हूँ। और जो भी अभी भी लोकेशन बताए गए थे ना, वो सब के सब यानी कि समंदर में थे। और एक सेकेंड, कुछ ट्रॉफी टाइप कुछ तो है क्या? और कुछ तो ट्रॉफी था। और इधर हमारा थर्ड लेवल जो है, वो भी कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं आगे। तो ठीक है, इधर हमारा लेवल 5 शुरू हो चुका है, फाइंड द हिडन टेंपल। ओ भाई, इसमें तो हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम एक हिडन टेंपल ढूंढने वाले हैं, यानी कि हम एक बहुत ही खतरनाक टेंपल यानी कि मंदिर ढूंढने वाला है। और ये नीचे कूद चुका हूँ मैं, अब देखते हैं इधर क्या होने वाला है। और एक सेकेंड यार, ये तो पूरी, अब मैं क्या बोलूँ इधर, अब मुझे किधर यार, किधर मिल सकता है हिडन टेंपल, कुछ पता नहीं। लेकिन एक एक लोकेशन को हम देखते हैं क्या इधर कुछ भी नहीं है शायद से। तो ये लोकेशन तो खाली ही चला गया, अभी ऐसे ही बहुत सारे लोकेशन मुझे मिलने वाले हैं, जो कि वो बढ़ती जाएगी की तरफ। अबे जो लोकेशन, अबे यार फिर ये भी, वो शायद से यही टेंपल है क्या? क्या सीन है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखते ही आगे। भाई लेवल कंप्लीट हो चुका है, तो ठीक है, तो मुझे लग ही रहा था कि यही टेंपल हो सकता है इतना बड़ा वाला। तो मुझे लग रहा था कोई मंदिर में मूर्ति होगी शायद से, तो उसी टेंपल कहेंगे, लेकिन इधर बहुत ही बड़ा टेंपल है। तो देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। लेवल 6 हिडन टेंपल फाउंड। तो हमें फिर एक बार शायद से जो टेंपल था ना, ओ भाई
ये देखो यही टेम्पल है शायद से मैंने आप ओ तो यही टेम्पल है। और एक सेकंड, इधर राक्षस के फोटो टंगे हुए हैं, शायद से गॉड जिला है। अरे देवदूत है शायद से। और एक सेकंड, ये पिंजरे में कुछ तो बंधा हुआ है और इसे ही हमें ढूंढना है। ओ इसमें तो ट्रेजर है यार, यानी कि खजीना है, तो इसे ही हमें ढूंढना है। ओ भाई बहुत ही खतरनाक है यार ये गेम, तो इसे ही हमें ढूंढना है। चले हम इसको ढूंढने वाले हैं अब तो। ये रहा मैं, और मुझे अभी पता है कि मुझे दिस सी कांट ओपन विथ लाइट, आई नीड ए लाइट। ओ ठीक है, तो मैं समझ चुका हूँ। सबसे पहले मुझे इस लाइट का जो है ना, इस लाइट को फॉलो करना है, ठीक है। तो मतलब उसको ओपन करने के लिए मुझे लाइट को सही डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में मुझे इसको लगाना पड़ेगा। तो मुझे ओ तो ठीक है, इधर कुछ तो ओ ये देखो, ये कुछ तो आयन शीशे जैसा था। तो मैं इधर से इधर उसको, अब मुझे इधर से शायद से इधर, या फिर नहीं, मुझे इधर से सीधा, क्या सीधा टेजर पर मारना है, ठीक है। जो रोशनी है ना, मुझे सीधे के सीधे टेजर पर मारना है। और एक सेकेंड यार, तो ठीक है, मैं इधर से अब शायद से मुझे उस तरफ घुमाना है, और सीधे के सीधा मैं टेजर के ऊपर मार के देखता हूँ खजीने के ऊपर क्या होता है। ओ ठीक है, तो शायद से ओपन हो चुका है। ओ भाई बहुत ही खतरनाक यार, बहुत ही खतरनाक, ये पूरा का पूरा टूट चुका है। और लेकिन जो ये जाली है ना, वो कैसे निकलेगी यार? मुझे शायद से मुझे ही निकालनी पड़ेगी अपने हाथों से। देखते क्या होने वाला है। और लोकेशन तो इधर इधर ही का आ रहा है। और एक सेकेंड यार, शायद से मुझे इधर खड़ा खड़ा रहना है शायद से, या फिर क्या करना है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही कंफ्यूजिंग गेम हो रहा है ये तो। कोई बात नहीं, इधर पहले, सबसे पहले इधर जाकर खड़े होते हैं, और इधर से ओ तो इधर बटन था क्या? तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि इधर बटन था। और इधर लेवल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी लेवल थे, और आगे इससे भी अच्छे अच्छे लेवल होने वाला है। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बाकी गेम की बात करें तो गेम सच्ची में अच्छा है, बहुत ही स्टोरी लाइन इसकी बहुत ही अलग है, और आपको बहुत ही खेलने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।